अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिस्से मान में रखे। तो डियर व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे अपनी ईद की शॉपिंग की। तो जैसे आपको हो चुकी है इस ईद पे, ईद उल अज़हा पे, तो देखिए जी बकरे की भी शॉपिंग होती है और हम लोग हसबे तो फिर कुर्बानी भी देते हैं जितना अल्लाह ताला ने हर किसी मुसलमान को दिया है। तो हर कोई अपने लिए हसबे तो फिर कुर्बानी का इंतज़ाम करता है। तो मेरी तमाम मुसलमान बहन भाइयों से गुजारिश है कि इस कुर्बानी के मौका पर उन लोगों को ना भूलें जिनके पास ऐसे सोर्सेज नहीं हैं कि वो कुर्बानी दे सकें या कर सकें। तो फिर आप लोग कम से कम उन मुसलमान बहन भाइयों को ज़रूर याद रखें और उनको भी अपनी खुशियों में शरीक करें। सारा साल हम लोग देखें मीट मटन हर चीज़ सारा साल होती है, तो ये कुछ दिन ऐसे हैं कि इनमें गरीबों को ख़ास तौर पर और उन लोगों को जो सफ़ेद पोश हैं, जो ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, उन लोगों को इन मौक़ों पर ख़ास तौर पे याद रखा जाए। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी ईद की शॉपिंग। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी आउटफिटर्स पर। आउटफिटर से मैंने शॉपिंग की है, आउटफिटर्स पर सेल लगी हुई है और बहुत अच्छी सेल है। आप लोग भी जाइए, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी वहाँ पे, बच्चों के शूज़, फिर सैंडल्स वगैरह गर्ल्स के, बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए, जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए, 2-3 माह के बच्चों के लिए, साल के बच्चों के लिए, 6 माह के बच्चों के लिए, जूतों के डिज़ाइन बहुत अच्छे थे। इवन कपड़े भी बहुत अच्छे थे, लेडीज़ के लिए गारमेंट्स अच्छे थे, एक्सेसरीज बहुत अच्छी थी। तो आप लोग जाइए और वहाँ से जाकर शॉपिंग करें, आप बहुत अच्छी शॉपिंग की। मैं गई थी जी क्रीम ब्लॉक, मैंने वहाँ से शॉपिंग की है। ये देखें, जैसे ये ट्राउज़र्स हैं, ये मेरी छोटी बेटी का ट्राउज़र है, सॉरी ये मेरी बड़ी बेटी का ट्राउज़र है। अब इसकी प्राइस देखें, वैसे ये 1190 का था लेकिन ये हमें जो मिला है वहाँ पे वो 390 का मिला है। इसका स्टफ़ बहुत अच्छा है। अब मैं इतनी डिटेल से वीडियो बनाऊँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मेरी कोशिश होगी कि मैं जल्दी जल्दी से आपको चीज़ें दिखाती जाऊँ। ये देखें, ये मेरे छोटे बेटे के कपड़े हैं, सबसे छोटा है वो, उसकी पैंट्स देखें कितनी छोटी छोटी सी हैं। ये देखिए बहुत प्यारी प्यारी सी पैंट्स उसकी हम लेकर आए हैं, बहुत छोटा सा है अभी वो, तो बस उसके लिए ये सारा कुछ हम लोगों ने खरीदा। ये देखिए, मैं आपसे कह रही हूँ कि वहाँ पे शूज़ बहुत अच्छे हैं, तो ये देखिए कितने प्यारे शूज़ हैं उसके, हम दो लेकर आए हैं, एक ग्रे में है और एक ये है। उसके साथ ये एक शर्ट है उसकी, ये देखिए ये फुल स्लीव्स में शर्ट है और बहुत प्यारी शर्ट है। चलिए इससे आगे मैं दो शर्ट आपको दिखा देती हूँ। ये एक्सेसरीज हैं जो मैं वहाँ से लेके आई हूँ, ये देखें ज़रा, बहुत खूबसूरत एक्सेसरीज थी उनके पास। बस दिल करता था वरना सारा कुछ ही ले जाए, बस अपनी लिमिट देखनी होती है उस टाइम पे, वरना बस यही दिल करता था कि हर चीज़ ले जाए। देखें अगर मैं आपको दिखा सकूँ, ये बहुत खूबसूरत थी। देखिए ये शैम्पेन कलर में इसमें मोती लगे हुए हैं और जो इसकी चेन्स हैं वो भी शैम्पेन कलर में ही हैं। तो इसकी जो प्राइस थी वो थी 1090, लेकिन आई थिंक ये हमें 700 में या 800 में ये मिला। ये मेरी बेटी के लिए हम लोग लेकर आए हैं, छोटी बेटी के लिए, और ये जस्ट 290 में हमें ये जूता मिला। ये जूता का नाम है ताना। ये देखिए ये कितना प्यारा आर्टिकल है। और ये नेकलेस हमें 790 का था लेकिन ये हमें मिला है सिर्फ
आई थिंक 300 या 320 में, आई थिंक सो इतने का ही है। ये बहुत प्यारा है। और ये जो आपको वॉइस आ रही है, ये मेरी छोटी बेटी की है जो कि मेरे पास खड़ी है, और कभी कहती है कि मैंने चीज़ दिखानी है, कभी कहती है मैं अपनी चीज़ें नहीं दिखाऊंगी। ये मैं आपको सारे एक्सेसरीज दिखाती हूँ। ये देखें, ये नेकलेस है और इसके साथ ही ये एक ब्रेसलेट भी है। ये मेरी छोटी बेटी का है, इसकी प्राइस है 550, लेकिन वहाँ पे ये सिर्फ जस्ट 90 या 70 रुपीस में था। ये देखिए, ये कितने प्यारे से ब्रेसलेट्स हैं। ये देखिए आप ज़रा, कितनी प्यारी सी बटरफ्लाइज बनी हुई हैं इसके साथ। तो ये जो ब्रेसलेट्स हैं, ये भी हमें सिर्फ 70 या 90 रुपीस में मिले, क्योंकि ईच एंड एवरी थिंग वॉज ओनली इन 70 या 90 रुपीस। ये रिंग्स देखें, ये मैं अपनी बड़ी बेटी के लिए लेकर आई हूँ। ये पेंडेंट भी मेरी बड़ी बेटी का है, देखिए कितनी प्यारी बटरफ्लाई बनी हुई है। ये देखें, इसकी जो प्राइस है वैसे 450 है, लेकिन इसकी वहाँ पे एज यूजल 90 या 70 का ये हमें मिला। ये पोनीज देखें आप ज़रा, ये भी हमें जस्ट 70 रुपीज में मिले। हाँ, और ये छोटी बेटी की है, वो पास खड़ी होकर मुझे कह रही है, सब गोशी में बता रही है कि ये छोटी बेटी का है। ये देखें, ये पिंस हाउ ब्यूटीफुल, तो ये भी मुझे जस्ट 70 रुपीज में मिली। और ये सब कुछ मेरी छोटी बेटी का है भाई, सॉरी मैं आपको बताना भूल गई, ये सब कुछ जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, पोनीज वगैरह सब कुछ, ये मेरी छोटी बेटी का है। ये जो आपको हंसी की आवाज़ें आ रही हैं, ये मेरी बेटी है जो कि बहुत खुश हो रही है कि मम्मा ने मेरा बता दिया, मेरी छोटी बेटी का है। अच्छा, ये कुछ नेकलेसेस हैं जो मैंने लोकल मार्केट से लिए थे, ये भी मैं आपको दिखा दूँ, ये भी मुझे बड़े खूबसूरत लगे थे। ये देखें, ये मेरी छोटी बेटी का है, ये नेकलेस भी मेरी छोटी बेटी का है। मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ, ये देखिए जरा किस कदर खूबसूरत है, और इसमें कलर्स बहुत प्यारे प्यारे थे। ये देखिए, और ये जस्ट मुझे 150 रुपीस में मिला है। ये देखिए, इसमें एक कलर मैंने ये लिया रेड, ये भी देखिए कितना प्यारा है। इसके साथ मैंने आई थिंक ये कुछ पनीर वगैरह इनके लिए थी, क्योंकि ये बहुत दिन करती हैं तो ये मुझे लेनी पड़ती हैं इनके लिए, और ये मैं बहुत दफ़ा ले जाती हूँ, फिर भी हमारी फिर भी फिनिश हो जाती हैं, बहुत जल्दी जल्दी फिनिश हो जाती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। ये भी मैंने एक फिटर से लिया था, ये भी शूज़ बहुत प्यारा है। ये मेरे छोटे बेटे का है, लेकिन उससे थोड़ा सा साइज बड़ा है, तो इसलिए हम इसे चेंज करवाएंगे, इसलिए इसे कपड़े में रखा है। ये वाला जो जूता है, ये मैंने लोकल मार्केट से लिया है, ये मैंने अपनी छोटी बेटी के लिए लिया है। तो छोटी बेटी का पैर बड़ा हो गया, हमें पता भी नहीं चला, तो उसको ये टाइट है तो हम एक साइज़ बड़ा लेंगे इसमें। और ये भी आई थिंक 300 और 350 में हमें ये मिला है। आप क्या करेंगे? ये हमने आउटफिट के लिए, ये देखिए किस कदर ज़बरदस्त किस्म के शूज़ हैं। ये मैंने अपने बड़े बेटे के लिए खरीदे थे, लेकिन ये उससे छोटे हैं, एक साइज़ छोटे हैं, तो इसलिए ये अब हम इसे दोबारा चेंज करेंगे। इसकी जो ओरिजिनल प्राइस थी वो थी 2890, यानी 2890 रुपये थी इसकी ओरिजिनल प्राइस, लेकिन आफ्टर डिस्काउंट ये हमें मिले हैं 1490, यानी कि ये 1490 रुपये में हमें मिले हैं। तो ये बहुत नाइस से शूज़ थे, बट अब क्या हो सकता है, इसे पूरे नए हैं, इसलिए भी चेंज करवाने पड़ेंगे।
अच्छा, उसके अलावा ये देखिए, ये मैंने कुछ शॉपिंग की अपने सबसे छोटे बेटे के लिए। ये देखिए, ये शर्ट मुझे 1000 में मिले। ठीक है, और वो मेरी छोटी बेटी का रही है, ये मुझे मेरी छोटी बेटी की इच्छा से बता रही है। ये एक सूट मैंने उसका लिया, ये मेरी सबसे छोटी वाली बेटी का है, देखिए। और ये बड़ी रिजनेबल सी प्राइस पे लिया मैंने। वो जो शर्ट थी वो आई थिंक 990 रुपीज की थी, उसके साथ मैंने ये वाली टाइट्स ली है, और ये जो टाइट्स है ये आई थिंक 350 की है। हाँ जी, ये 300 या 350 की है। उसके साथ एक जो टाइट्स है वो ये वाली है, ये भी इतने में ही है, 300 में। हाँ, ये भी छोटी वाली की है। ये छोटे बेटे की कैप भी ली थी मैंने, आई थिंक 500 या 600 में मिली। अच्छा, अब ये मैंने कुछ शॉपिंग अपनी लाइम लाइट से की, ये मैं इम्पोरियम से लेके आई थी। लाइम लाइट पर भी डिस्काउंट चल रहा है, तो वहाँ पर भी बड़ी अच्छी चीज़ें थी, उन पर डिस्काउंट चल रहा था, तो मैंने कहा क्यों ना कुछ शॉप कर लिया जाए। ये देखें, ये 1290 का ट्राउज़र था, और ये जो अभी ट्राउज़र्स चल रहे हैं वाइड, इसमें ये वो है बेल बॉटम टाइप। अच्छा, ये भी मैंने लाइम लाइट से लिया था, ये आप देखिए ज़रा, ये बहुत प्यारा सा पर्स है, ये देखिए ज़रा किस कदर प्यारा। ये साथ इसकी चेन है, और ये वेलवेट टाइप है। इसकी प्राइस थी 1190। ये क्लच बैग था, ये देखिए, इसके साथ मैंने थोड़ी वहाँ से ज्वेलरी भी अपने लिए ली थी, ये देखिए ज़रा, ये हैं एयरिंग्स, देखिए ये बहुत प्यारी सी एयरिंग्स हैं, और इनकी प्राइस 590 रुपीस थी। उसके अलावा मैंने एक ये नेकलेस लिया, देखें ज़रा, ये भी बहुत खूबसूरत है, देखें ज़रा। मुझे तो लाइम लाइट पे ज्वेलरी बहुत अच्छी लगी थी, और बड़े रिजनेबल सी प्राइसेस थी इसके। इसके अलावा मैं यहाँ से लिबर्टी में गई हूँ। लिबर्टी, आप अगर आप संडे को जाएं तो लिबर्टी में संडे बाज़ार लगता है, जो कि बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है, और चीज़ें भी अच्छी हैं। ये नहीं है कि सस्ता है तो चीज़ें अच्छी नहीं होंगी, चीज़ें भी बहुत अच्छी थी वहाँ से। ये देखिए, मैंने ये वाला ड्रेस खरीदा, देखिए ज़रा आप इसकी, हमें ज़रा पूरा दिखा नहीं सकती, ये देखिए ज़रा, ये देखिए किस कदर खूबसूरती से इस पर कढ़ाई की गई है, और बोट ने किसका गला है, ये देखिए बूट ने किसका गला है, और इसके जो बाजू हैं वो आप देखें ज़रा कितने खूबसूरत हैं, ये देखें, कुछ बेल बॉटम टाइप इसके बाजू बने हुए हैं। और ये सूट भी बहुत रिजनेबल से रेट्स पे मुझे मिल गया था, आई थिंक 2200 या 2000 के अंदर था। एक सूट मैंने ये लिया था, ये शर्ट का दामन है, ये देखिए, ये कोटी टाइप है, ये मुझे बहुत पसंद है कोटी टाइप सूट, ये देखिए ज़रा। और ये भी बड़े रिजनेबल रेट्स में मिला था, ये इसके साथ इसका ट्राउज़र है,
और दुपट्टे भी हैं, लेकिन बस उनको मैंने बड़ा ऐसे ऐसे करके रखा हुआ है, इसलिए वो मैं आपको नहीं दिखा सकूंगी। इसके अलावा व्यूअर्स, आप लोग लिबर्टी में जाएं, संडे को जाएं आप लिबर्टी में, तो बड़े अच्छे से रेट्स हमें वहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे ड्रेसेस बड़े रिजनेबल से रेट्स पे मिल जाते हैं, ज्वेलरी मिल जाती है। मैं अपनी बेटी के भी वहाँ से कुछ ड्रेसेस लेकर आई थी, वो भी बड़े नाइस हैं, और वो क्योंकि उसने अपनी अलमारी में रख चुकी है वो अपने कबर्ड में, इस वजह से मैं वो नहीं आपको दिखा सकी। ये जो मेरी कबर्ड में पड़े हुए थे मैंने वो आपको दिखाए हैं। तो चलिए और अच्छी तरह अपनी ईद के लिए तैयारी कीजिएगा, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अच्छी अच्छी शॉपिंग करें और अपने साथ दूसरे लोगों को मत भूलें जो ये चीज़ें नहीं खरीद सकते, उनको भी याद रखिए अपनी खुशियों में, सबके साथ मिलकर खुशियाँ मनाएं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और आप सबको बहुत सारी खुशियाँ अता करें। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी शॉपिंग कैसी लगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।